आदर और सत्कार के योग्य गंगा की तरफ पवित्र आत्मा के भगवान रूपी मेरे सारे किसान बहन भाइयों ने राम राम भाई। आज आप पहुंच रहे हैं गुजरात और गुजरात का कच्छ भुज जो एरिया है वहां है भाई नरिया कोठारा और नरिया कोठारा में आज हम पहुंचे हैं अपने जाट समाज की जो जाट धर्मशाला है। तो भाई इस पर हमारी नजर पड़ी तो हमने देखा कि भाई चल भाइया तो इतनी दूर आ रहे हैं मिलांगे जरूर भी कोई न कोई भाई जरूर आप इन धर्मशाला में मिलेगा तो देखांगे भाई उरे कोई भाई मिला है भाई जानकारी भी लेवांगे और भाई नहीं मिला तो फोन करके भी बुला लेंगे। तो भाई ये देखो यू गेट है और भाई इसकी प्रॉपर जानकारी खुशी इस बात की है भाई गुजरात इतनी दूर आके भी अपने जो जाट समाज के जो तकरीबन हरियाणा पंजाब के जो अपने भाई किसान हैं खेती करने के लिए व्यापारी हैं जो बिजनेसमैन है तो बहुत सारा क्षेत्र में हमने देखा घूम के काफी सारे भाई हमने मिले हैं। और भाई यह वीडियो आपने किसी को लगेगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। और भाई देखो स्टार्टिंग में हमारे किसान मसिया रहबरे आजम दीन बंधु सर छोटू राम जी है भाई इसके हमने सबसे पहले सबसे बढ़िया अगर हम बात करें तो देखो दर्शन हमारे किसान नेता हमारे दीन बंधु सर छोटू राम के दर्शनों। तो भाई तो सबसे पहले तो हम नमन करते हैं इस महान आत्मा को और इबागे एंट्री करांगे जो हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ा हम ये कह सकते हैं भाई बलिदान दिया है। किसानों की वकालत करी रहवरे आजम सर छोटू राम जी ने। और भाई नमस्कार जी भाई साहब। भाई साहब राम राम। कहाँ से हो? सिसाई से भाई। सिसाई जी। नाम क्या है? होशियार सिंह भाई। हमने लगा था भाई आपे अंदर एंट्री करांगे नहीं कोई न कोई अपना भाई आपे ने जरूर मिलेगा। तो भाई सिसाई गांव से होशियार सिंह मिले हैं। होशियार सिंह भाई हमने सबसे बढ़िया तो यह लागे हमारी जो वहाँ हम देख रहे थे हरियाणा से हम आए थे जो फील्ड मार्शल सुपर सीडर 813 लेके इधर किसानों को जागरूक करने के लिए तो उसके सामने दिखाइयो भाई हमने वहाँ वो मशीन छोड़ी थी सिर्फ इसी पे हमारी नजर पड़ गई थी भाई हमारी जाट धर्मशाला है तो वो गर्व हो जाता है एक अपने भाईचारे पे। तो ये जो धर्मशाला बना रखी है ये कितने क्षेत्र में है कब ये बनाई गई? भाई साहब इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में। 2004 में इसकी नींव रखी गई। हाँ जी। अच्छा। ये लगभग 5 एकड़ जमीन है कुछ इसके बैक साइड में है। अच्छा। कुछ ये आगे ग्राउंड देख रहे हो ये दुकानें बनी हुई है जाट धर्मशाला की। अच्छा ये अपने धर्मशाला की दिखाइए भाई इस तरफ ने जो ये उधर से एंट्री करते हैं तो ये जो दुकानें हैं अपनी जाट धर्मशाला की। तो ये कितनी दुकानें हैं? पीछे वो रसोई घर है स्टोर रूम है। अच्छा वहाँ पे मान लो कोई भी प्रोग्राम होता भाई दिखावांगे आज होशियार सिंह आड़े तो कोई काम चलता दिखावांगे सारा क्योंकि भाई एक भाई और न जाओ इधर आओ भाई ना 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 क्या नाम है भाई दो मिनट देते हमने क्योंकि बहुत सारे भाई देखने लग रहे हैं इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो भाई। राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? बिट्टू। हरियाणा हरियाणा से हो क्योंकि बोलनी तो पहचान जाओगे भाई हरियाणा का है। मैम फरमाना। और बिट्टू भाई आपने कितना टाइम हो गया उधर? 2009 में आए थे। उरा के कारोबार करो आप? खेती का करो। तो इबे आपने जाट धर्मशाला में लगभग रोज हाजरी लगाए जाओ वो का पिए जाओ हो तो भाई आड़ा हो का भी पीवांगे भाइयों के दौरे क्योंकि बोला देख जाट के ठाठ ओ कार खाट। तो भाई आड़ा सारी चीजें मिले भाई होगा का कदे मैं भाइया ने बका दू ले भाई या तो कदे तान दिया भाई ओका जरूर मिलेगा बोला देख उरे देखा भाई हम एंट्री करांगे भाई अंदर ये होल है। तो भाई इस होल में हम एंट्री करा महाराजा सूरजमल जी दीन बंधु सर छोटू राम जी और भाई जाट धर्मशाला कोठारा श्री जाट समाज विकास परिषद ट्रस्ट। तो ये ट्रस्ट अपने किसान भाइयों ने बड़ा जय जवान और जय किसान क्योंकि जवान और किसान तो भाई ई बापे एंट्री कर गए हाँ। अरे भाई थोड़ा सा मैं कम भी बोलूंगा क्योंकि होल गुंजेगा। तो भाई पूरा अपने दर्शन हुए हैं जाट समाज कोठारा आपका हार्दिक स्वागत करता है।
तो भाई आपका हार्दिक स्वागत है कुठारा में। जो भी दर्शक भाई देखने लग रहे हैं इस वीडियो में, और भाई ऊपर देखो किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री महाराजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह, अरे सिंह नड़वा, राजा नाहर सिंह, महाराजा बच्चू सिंह, सर छोटू राम, सेठ छाजू राम, जो दानीवीर हुए हैं आज तक, इससे बड़ा कोई दानीवीर नहीं हुआ सेठ छाजू राम। और भाई वीर गोकुला और वीर जाट, वीर तेजाजी महाराज, धन्ना भगत जी और फूल जाट जुलानी वाला, भाई गो रक्षक, गो भगत और फूल जाट जुलानी वाला, रामलाल खोखर और पहलवान दारा सिंह, जो एक महाबली हुए, बहुत अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ाए। तो भाई पहलवान दारा सिंह के दर्शन हुए हमने महारानी किशोरी देवी जी और भगत शिरोमणि कर्मा बाई जी, श्री अर्बुद्दा माता जी, ताऊ देवीलाल जी। ताऊ देवीलाल जी भी भाई एक राजनीतिक जीवन की हम बात करें, साथ में लगदे चौधरी बंसीलाल जी, एक राजनीतिक जीवन में बहुत अच्छा नाम कमाया, जिस आज भी इसके नाम कोई नाम की पूजा करते हैं लोग। तो ऐसे भगत हुए हमारे ताऊ देवीलाल जी के, और चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत और राजा मान सिंह, फौजी जाट मेहर सिंह, जो कवि हुए हैं, मतलब फौज में बताओ, मैं फौज में थे और न्यू खड़े हो गए नहीं आण के छोरिया मर न्यू न्यू रग नहीं गाया करते रहे, करके गाल तड़पती छोड़ी जान क्यों ना काट ले गया, ओ परदेसी गाल मेरे भी बांध क्यों ना हाड ले गया। बड़ी प्यारी रागनी है भाई, और खूब सुना करा जाट मेर सिंह की जो यह रागनी है, और कर्नल होशियार सिंह जी, तो भाई काफी सारे शहीद भगत सिंह जी। तो इस प्रकार से भाई ये जो होल है आपने देखा है भाई, सबसे बढ़िया, इतनी दूर गुजरात में आके और हमारे जाट भाइया ने ठाठ ला रखे हैं, बहनू का करनी बल्ला गर्व सीना गर्व से चौड़ा हो गया है भाई। तो भाई सारे दिखावांगे, पूरे कमरे हैं, हाँ कमरे हैं भाई, रहन की सहन की व्यवस्था। सबसे पहले तो यह चीज है भाई, अपने पल्ले आ बैठ पी पानी, ये चीज अगर जे अपने दौरे नहीं है तो अपने पे कुछ नहीं। तो यह चीज भाई अपना एक संस्कार की हम बात करा, इतनी दूर आके भी हम उस समाज और उन संस्कारों से जुड़े हुए हैं। सबसे भाई यह वीडियो नहीं हंगा ला के शेयर कर दियो, क्योंकि इतनी दूर कोसों हजारों मील दूर, और हमारे हरियाणा पंजाब के जो जाट भाई हैं उनने इतने ठाठ लगा रखे हैं। तो भाई सारी चीज दिखावांगे, बताया भाई ने उन्होंने रोड लाग जे है और कौन सा रोड है वो भी पूछांगे। और भाई जोगर्दो को देखो, यू रहे भाई अपनी व्यवस्था कर रखी है, एक जनरल लैट्रिन बाथरूम अलग से भी बना रखा है, और पीछे भी भाई वो अच्छी जगह बना रखी है, और अच्छी पार्किंग की व्यवस्था जो भैया ने बना रखी है तो बहुत बढ़िया। और वहाँ भी भाई वो देखो भाई ओका ओका भरण लग गए हैं, क्योंकि जब ओका का नाम आवे नहीं तो भाई ओके की आग की तैयारी कर दी है, और भाई ओका भी पी के जावांगे और भी जानकारी लेवांगे अपने इस धर्मशाला के बारे में, उरे जो इन भैया ने इतनी बढ़िया व्यवस्था जो बनाई है, और भाई इस व्यवस्था के हम कायल हुए, और बड़ी प्रशंसा है जो भाई इधर रहते हैं, क्योंकि हमारी एक पहचान रही है या भाई आ बैठ पी पानी, अगर जिस तरीके की जो व्यवस्थाएं जब हमने मिल जाए हैं तो अपना भाई इतनी दूर आ के भी एक ये नहीं महसूस करता कि भाई हम कोई बहुत ज्यादा दूर आ गए हैं। तो ये देखो यहाँ के जो नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर जी रबारी, इधर की व्यवस्था देखते हो आप? सही है। तो आप कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात का। गुजरात के ही रहने वाले हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है यहाँ इस की देख रेख करना, संभाल के रखना। तो ये ओका आग बना ली? बना ली, लगाई ले, आग चला दी है, रसोई भी है भाई उरे,
ये देखो ये बिल्कुल आग बना दी है भाई, आरी में तैयारी कर लेंगे, आग दिखाइयो भाई, क्योंकि ये देख तुरंत खोलेंगे आग तैयार कर दी है भाई, काफी जावांगे। तो भाई ये देखा इतनी बढ़िया व्यवस्था जी आप वो कागरे ने बोला मौज कर दी भाई, मौज मौज कर रखी है भाइया ने, मैं जमानू ठाठला रखे हैं। जो भी भाई इस वीडियो ने देखे है तो उन भाइयों ने मैं कहूंगा बस ज्यादा से ज्यादा हंगा ला के इस वीडियो ने शेयर कर दो, क्योंकि आज इतना मजा आ गया इन भाइयों की यह व्यवस्था देख के हमने। और भाई कभी भी आओ तो मैं ये कहूंगा यहाँ इस धर्मशाला के अंदर इस एरिया के आसपास में आपने घूम के आना है या वैसे सूत बैठ रहा है तो यहाँ आपने जरूर आना है, क्योंकि ये आते ही पहले यहाँ के जो देख रेख करनी है ना आते ही चाय पानी रोटी पानी की सारी बात भाई ने अन्य कराया। उषार सिंह बिटू थोड़ा सा इसके बारे में आप जी, मिस्त्री हूं मैं, दुकान है अपना। फिर नुडर क्या तरह है? अच्छा ड्रावर लाग रहा है, क्या नाम है? क्या नाम आपका? मेरा सतीश मिस्त्री है। सतीश मिस्त्री हरियाणा में कौन सा काम का है? हरियाणा कड़ुआ का, हैट कड़ुआ। हैट कड़ुआ जींद में? आठ छन्ना गांगोली हाँ, ये देख ले रहा पहचान लिया इसी सतीश मिस्त्री ने तभी हाँ, और कुठारा गुजरात में पा गया भाई हाँ। तो मिस्त्री जी दुकान है धर्मशाला शमी यारी। अच्छा उरे अपने धर्मशाला का शमी है धर्मशाला आलिया में है ना ना धर्मशाला। अच्छा क्या के मिस्त्री वाड़े ये रहा है रो कल्टीवेटर रम पारिया ये बनाओ फिर हमारा कुंबा मिल गया है हमारा परिवार पारिवारिक मिल गया भाई। और उषार सिंह भाई इस साइड दिखाते भी रहो, से काफी टाइम हो गया यहाँ जो आप हर रो है कल्टीवेटर है तो भाई नु पीछे ना रहो मेरा जी कौन लागा भाई एकलन ना छोड़ो भाई इतनी दूर तो आ रहे हूँ यहाँ दर्द ये एकलन छोड़ रहे हैं पासे बैठे हटे हैं। उषार सिंह काम की बात करांगे हाँ जी भाई साहब। तो यू कब तो इसकी इधर आपने नीम रखी? 2004 में भाई। और कितने अपने इस ट्रस्ट के आज और इर्द गिर्द के मेंबर होंगे? अपने गनखरे के हरियाणा के तकरीबन सारे गामा के लोग हैं तकरीबन हर एक डिस्ट्रिक्ट होंगे हर एक तहसील ते उन गामा के नाम बता दो जो भी मोटा मोटी याद हो। मोटा मोटी डाणी भोजराज ते हैं, डाणी सा चलाते हैं हाँ। भाई अपने बास्ते हैं, बडालते हैं हाँ। सिसाइते हैं हाँ। भाई अपने मोटते हैं मोट लुवारी हाँ, नानू देरिया है, मैं मेरिया में तो कई है, मोड़ा बड़ छप्पर हो गया हाँ। उड़ते हैं भाई फरवाणते हैं हाँ, भाई रोहतक जिला फरवाणता है के भाई जी इनता है के प्रधान है भाई बादल वो गढ़वालते हैं गढ़वाल है गोहाना साइड से गोहाना साइड में हाँ जी जुलाने के भी है भाई पानीपत भी है। अच्छा ये इधर के जो प्रधान है वो बादल प्रधान है याद कोनी बाकी हर एक तहसील ते आदमी है उधर हाँ। बादल प्रधान बादल प्रधान बादल प्रधान बना रखे हैं अपने अपने खड़क पुनिया के थे प्रधान जी रामफल पुनिया रामफल पुनिया हाँ जी। अच्छा बीच में फिर राजपाल भी आया राजपाल कौन सा काम के खंडा खेड़ी हाँ तकरीबन हिसार एरिया के ज्यादा लागे एक मन्ना इलाके में हिसार तो जींद हिसार फतेहवाल जींद एरिया के ज्यादा गुआना जुलाना हाँ, और मैं मेरिया और बाकी भाई साहब अपने रोहतक कुरुक्षेत्र हाँ, और ये क्या सोनीपत पानीपत अरे हरियाणा और काफी भाई पंजाब के भी होंगे अम्बाड़ा साइड से कम है बाकी पंजाब के काफी लोग हैं फिरोजपुर साइड हाँ। तो उरे खेती बाड़ी के करो हो भाई फिरोजपुर और ये क्या जाखड़ा और संगरूर नहीं देख लू ना करो मुंह भाई खेती बाड़ी कपास की मेन फसल है भाई उसके बाद में गेहूँ है बाजरा है सरसों है सूरजमुखी है मतलब सारी मेल की खेती हो है क्योंकि भाई किसान ने क्या चाहिए खेती करना जमीन चाहिए और जमीन ज्यादा दाड़ा हमने देखा बस छोटा तो छोटा जिस तरह बापे ओड़े की बात करा वह ढाई तीन या पांच किलिया पर जमींदार आ रहा है पूरे मिश्र में 35-40 तो स्टार्ट हुआ है को 100 किलिया का जमींदार है को 200 किलिया जमींदार आठ के भी है 10 के भी है 20 के भी 50 के भी 100 के भी सारे डाल के क्योंकि लगा हमारे जो भी टच में आया क्योंकि जो फील्ड मार्शल 813 जो ऑल इन वन सुपर सीडर है भाई इस मशीन ने कंपनी की तरफ से यह मशीन आई थी और इसको हम ये दिखाना चाहते थे भाई इस क्षेत्र के जो अपने किसान हैं भाई एक अच्छा तरीके से ज्यादा मेहनत खून पसीना ना करना पड़े ज्यादा डीजल ना फूकना पड़े और समय की भी हमारी बचत हो तो अपना किसान भाई इस मशीन के प्रति जागरूक हो। तो इस दौरान में हमने अगर जो मिला है
तो मिनिमम 35-40 किलो तो ऊपर ऊपर का जमींदार मिला। हाँ, बिल्कुल है भाई, क्योंकि ठेकेदार भी है, काफी किसान तो मतलब इधर जमीन भी ले रहे, वो ठेके पे भी ले रहे, ठेके पे भी ले रहे, 500 किलो किले, 500 किलो भी है जमींदार। हाँ, तो सतीश भाई के कहना चाहोगे आप? बस के कहना चाहूंगा मैं कहूँ भाई साहब, जो आप सुपर सीटर ले रहे हो नहीं, आपकी बढ़िया कामयाब होनी चाहिए, मैं चीज तो कामयाब। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि भाई वो चीज तो दिखाने के लिए आए हैं, लेकिन ईब तो हमें इसे के बारे में बात करेंगे भाई। हमें वो क्या कर रहे, हमारी बैठक हमारा नोरा, तो भाई आज हमारे समाज का जो एक हमारा सार्वजनिक जिसके माध्यम से हमारा समाज का ताना बाना जो है, वो पारिवारिक रूप जो है, एक अपनापन जो है, वो जुड़ा रहा है जाट धर्मशाला कोठारा गुजरात। तो भाई इसे के बारे में आज ज्यादा आप बताओ, मशीन के बारे में तो उमा गणी बता देंगे हमें। बस हाँ, लिया भी तो सारा देख लिया अभी आपने, हैं आपने देख, आपने सबसे ज्यादा नॉलेज इसमें ज्यादा है, ये इसमें रह चुका है, मकान भाई का देवा ये है। अच्छा, मकान नजदीक में है, ये सामने ही है। फिर तो इतना पे बातचीत भाई हूँ शेर सिंह, और कोई सी खास वजह रही हो, कोई खास प्रोग्राम ऐसा होया हो अपने धर्मशाला में? अपने अपने हरियाणा के हैं आचार्य देवव्रत जी, हाँ हाँ, यहाँ के गुजरात के राज्यपाल राज्यपाल हाँ, हाँ, फिलहाल भी हाँ, वो भी यहाँ प्रोग्राम किया था सर छोटू राम जी की हाँ, जयंती पे हाँ, उस टाइम पे यहाँ हाँ, पे आए थे, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था हाँ, हाँ, अपना हरियाणा पंजाब के आसपास के लोग हाँ, यहाँ पर सभी जाके आके हाँ, मतलब भोजन पानी की व्यवस्था करी और उन्हें अच्छे अच्छे विचार सुने उनके हाँ, तो यही हो भाई, एक अपना पण के लिए शादी समारोह हो गया हाँ हाँ, शादी समारोह हो गया, कोई सामाजिक कार्य हो गया हाँ, उसके लिए यहाँ पे भाई अपने मीटिंग होती है भाइयों की। हाँ भाई, कोई भी किसी प्रकार की जरूरत पड़ती है किसी भाई ने, कोई जैसे आज हम आ गए भाई, इधर हमने रहना सहना है तो हमारा घर है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, तो ये होता है एक अपनापन भाइयों। पानी चढ़ जाए में खेता में जो आदमी रहे हैं हाँ, पानी का भराव ज्यादा हो गया हाँ, तो वो लोग अपने आके यहाँ पे रह सकते हैं, रह सके हैं। तो ये देखा भाई इस तरीके की। अच्छा, एक और जो आ जाओ, ओखा भी भर दिया है भाई, वो बात ओखा की आवत थी। ये देखो भाई, वो मैं बताऊं था, बिला देख जाट के ठाठ होकर खाट, तो भाई यहाँ पे बैठ गया हूँ शेर सिंह, बैठ जाओ। तो भाई बिटू आ जाए, ये देखो भाई तासांगा भी सिस्टम है जाट राजा, यह है भाई एक पहचान। वो न्यू कावत सा एक हमारे हरियाणा में, बिला एक जाट का स्वर्ग में नंबर आ गया, नरक का वर्ण आ गया, कोई बोले भाई इसने भी तो गलती तो आ गया, या कहावत है भाई, बोले सुरग में तो भाई इसकी तो नरक में जगह जानी चाहिए, तो गलती तो आ गया, बोले इसने काटा कौन, बोले इतनी जाएगा न्यू कौन का, भाई तेरा उरा नंबर कौन था, बोले भाई यू तो तरीका सर करना पड़ेगा, बोले क्यों करे, बोले वो काबर के बैठ जाए आप पे आ जाएगा, तो भाई नरक सुरग में तर उल्टी है, नरक में डाक मार गया था ओके खातर जाते, तो यह कहावत है हरियाणा में। तो भाई इस प्रकार की हो, क्योंकि जाट जाट कहां एक ये नस्ल है, और ये नस्ल इसने थोड़े है ऊट पटांग जो काम होने, बजोटे गुड़ा दिए, खाकड़ गुड़ा दिए, आप गुड़ पड़े खेल करा दिए, इन चीजा में ट्रैक्टर टोचन कर दिए, तो इस इन चीजा में थोड़ा है इंटरेस्ट ज्यादा रखे हुए, इस वजह से इनकी एक अलग पहचान है, कोई उड़ुद्दा करना हो तो भी मिला यूए पावगा, तो हर जगह अरे भाई बड़े बड़े महान हस्ते है भाई, मेहनत भी बस की इतनी है, हाँ बस की कोनी भाई, बिटू या बात ठीक है भाई, खेत क्यार में देख ले, आज अगर राजनीति की बात करा, खेला की हम बात करा, भाई इंजीनियर की हम बात करा, डॉक्टर की हम बात करा, हर क्षेत्र के अंदर हमारा समाज आपने मिल देगा, लेकिन कमी किस बात की है, वह मारे थोड़े है खून में सिकड़ना होगा, उस तो थोड़ा चुकन्ना होने की जरूरत है भाई, जो भी यह वीडियो देखने लग रहा है, तो ये इन चीजें तो भाई एक एकता में बलो है, तो थोड़ी सी हमारी अगर हम बात करें एकता बनानी जरूरी है।
तो भाई मिलांगे कोई नई जानकारी के साथ में, कोई नई वीडियो के साथ में। भाई दे दियो हम नई जात तरह हम पीले होका। और भाईयो इधर आ रहे थे आप लगे जो दिखाई है भाई, इसमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिए। और भाई किसी भाई का कोई सवाल रह गया वो भी कमेंट करके आप जरूर बताइए। इस वीडियो ने हंगा लाके कर दो शेयर। धन्यवाद भाई।